नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि भारतीय रेलवे में रिजर्वेशन न मिलने के अभाव में ट्रेनों में यात्रा करने से वंचित रहने वाले यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। सामान कोच यानी कि जनरल कोच में आरक्षित सूची 29 जून को क्लियर हो रही है। आरक्षण सूची क्लियर होने के साथ ही सभी रेलवे स्टेशनों से गुजरने वाली सभी ट्रेनों में जनरल टिकट सेवा बहाल कर दी जाएगी। इससे सैकड़ों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अनारक्षित काउंटर से जनरल टिकट खरीद कर यात्री ट्रेनों में आराम से सफर कर सकेंगे। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण में रेलवे ने सभी ट्रेनें बंद कर दी थी। कोरोना संक्रमण की दर कम होने के साथ ही रेलवे ने धीरे धीरे ट्रेन दोबारा शुरू की, लेकिन भीड़भाड़ पर नियंत्रण रखने के लिए जनरल टिकट सेवा बंद कर दी गई। ऐसी स्लीपर से लेकर सामान कोच में यात्रा करने के लिए रिजर्वेशन कराना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के कारण यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए रेलवे ने धीरे धीरे ट्रेनों में जनरल टिकट सेवा बहाल करना तो शुरू किया, लेकिन अभी भी अधिकांश ट्रेनों में जनरल टिकट सेवा शुरू नहीं की गई। खासतौर से लंबी दूरी की सुपरफास्ट ट्रेनों में जनरल टिकट सेवा शुरू नहीं की गई। रिजर्वेशन न मिलने के कारण कई यात्री ट्रेनों में सफर नहीं करा पा रहे थे। इसे देखते हुए रेलवे बोर्ड 120 दिन पहले आदेश जारी किया था कि जनरल कोच में यात्रा के लिए जिन लोगों ने रिजर्वेशन कराया है उनकी सूची 29 जून तक क्लियर होते ही सभी ट्रेनों में जनरल टिकट सेवा बहाल कर दी जाएगी। इससे लंबी दूरी की ट्रेनों में भी यात्री बिना रिजर्वेशन कराए सफर कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण से पहले जिन ट्रेनों में सामान कोच रहते थे उन सभी ट्रेनों को सामान कोच के साथ चलाया जाएगा। यानी कि कोरोना के पहले ट्रेन जिस तरह चला करती थी और ट्रेन के कोच कंपोजिशन जिस तरह थे और जिस तरह जनरल टिकट डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पर लेकर सीधे यात्री डायरेक्ट ट्रेन में चढ़ जाया करते थे, अब वही सिस्टम शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2022 से। इससे हजारों यात्रियों का सफर आसान हो जाएगा। कोरोना संक्रमण नियंत्रण में होने के कारण रेलवे ने धीरे धीरे ट्रेनों में जनरल टिकट सेवा को शुरू किया था। बात की जाए अगर बीना रेलवे स्टेशन की, तो बीना रेलवे स्टेशन से निकलने वाली 17 ट्रेनों में ये सेवा बहाल हो चुकी है। इनमें बीना नागदा पैसेंजर, बीना कोटा मेमू, बीना ललितपुर मेमू ट्रेन, बीना कटनी मेमू ट्रेन, बीना भोपाल मेमू ट्रेन, भोपाल दमो भोपाल राजरानी एक्सप्रेस, भोपाल खजुराहो महामना एक्सप्रेस, विंध्याचल एक्सप्रेस, ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस, श्रीधाम एक्सप्रेस, भोपाल हावड़ा एक्सप्रेस, भोपाल सिंगरौली एक्सप्रेस, रीवा डॉक्टर अम्बेडकर नगर एक्सप्रेस, प्रयागराज डॉक्टर अम्बेडकर नगर एक्सप्रेस, आगरा लोकमान तिलक एक्सप्रेस, उद्योग कर्मी एक्सप्रेस और तुलसी एक्सप्रेस में पहले से ही जनरल टिकट की सुविधा शुरू कर दी गई थी। अब भारतीय रेलवे 1 जुलाई 2022 से सभी ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा शुरू कर देगा, जिसमें आने जाने में यात्रियों को किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी। जैसे ही हमको किसी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो आपको कैसे लगी और क्या है आपका सुझाव। अगले वीडियो में बाय।